तो है खजियार का पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्पॉट। धान खुद के लिए मैं निकल रहा हूँ। करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे लॉन्चिंग पैड है पैराग्लाइडिंग का, और फिर वहाँ से वेलकम टू खजियार मिनी स्विट्जरलैंड। हेलो गाइस, पिछले ब्लॉग में मैं अपने धर्मशाला से डलहौजी तक का जर्नी दिखाया था, और जहां अभी हम जा रहे हैं दैट इज़ खजियार। इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। और अभी हम पहुँच रहे हैं खजियार। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, या हिमाचल प्रदेश में डलहौजी के पास, यानी डलहौजी से करीब 30 किलोमीटर के दूरी पे एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जहां बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो भाई लोग, अभी हम पहुंचने वाले हैं खजियार, द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। इट इज़ फुल ऑफ पाइन ट्रीज, और खजियार ठीक बीचों बीच एक छोटा सा लेक है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है चारों तरफ, और उस ग्राउंड के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत पाइन ट्रीज है जो इस पूरे माहौल को, पूरे इलाकों को बहुत ही खूबसूरत बनाता है। और देखिए यहाँ के रोड भी कितने खूबसूरत है, हालांकि पतला सा रोड है बट काफ़ी स्मूथ है, खूबसूरत है। राइट साइड में माउंटेन, लेफ्ट में गहरी खाई, अगर जरा भी स्लिप हुआ तो फिर गए काम से। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच गए हैं, बहुत सारे टूरिस्ट अभी दिख रहे हैं, काफ़ी सारे गाड़ियां लगी हुई है, और सबसे पहले हमें अपने पार्किंग स्पॉट ढूंढना होगा जहां पर हम अपने बाइक को पार्क कर सकें और अपने सारे जो भी सामान है उसको सेफ रख सकें। सो गाइस, यह बहुत ही रियली, इट्स रियली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। And the people over here, I mean the people coming from different parts of the country, they are so disciplined. चारों तरफ मैं यहाँ पर नज़रें दौड़ा कर देख रहा हूँ, कहीं भी कोई गंदगी नहीं दिख रहा है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से कि पैसा वसूल हो गया। तो अभी सामने दिख रहा है लेफ्ट साइड में यहाँ पर पार्किंग, तो वहाँ पर सबसे पहले मैं अपने बाइक को पार्क करूँगा और फिर देखूंगा कि सामान वगैरह ठीक से एडजस्ट हो जाए, देन आई शो यू द मैजेस्टिक व्यू ऑफ खजियार। और मुझे हालांकि दिख रहा है, आप लोग को शायद दिख नहीं पा रहा होगा, तो सबसे पहले मैं पार्क करता हूं। यस, यहां पे सही रहेगा, यहां पर भुट्टा बेचने वाले भी हैं, तो भाई भुट्टे वाले के सामने मैं अपना सामान वगैरह रख दूंगा। सो गाइस, ये रहा खजियार का नजारा। व्हाट ए मैजेस्टिक, व्हाट ए मेस्मराइजिंग व्यू, यू कैन से 360 डिग्री व्यू। आप देखिए कितना खूबसूरत नजारा है, बहुत ही बढ़िया। इसके ठीक बीचों बीच एक छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत सा लेक है, आप देख सकते हैं सामने लेक बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ पाइन ट्रीज है, बीच में कुछ हट्स भी बने हुए हैं, और यहाँ पर कोई किसी को कोई रोक रोक नहीं है, बिंदास लोग एंजॉय कर रहे हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि जब कभी भी डलहौजी की बात आती है, जब कभी भी चंबा की बात आती है, तो लोग यह कहना बिल्कुल नहीं भूलते हैं कि भाई अगर वहाँ जा रहे हो तो खजियार जरूर जाना। बिकॉज अगर आप डलहौजी आते हैं और डलहौजी से वापस चले जाते हैं तो आपका जो विजिट है, आपका जो ट्रिप है, वह इनकम्प्लीट रह जाता है विदाउट खजियार। क्योंकि खजियार में चाहे थ्रू आउट द ईयर, चाहे आप समर में आते हैं, आप रेनी सीजन में आते हैं, या फिर आप विंटर सीजन में आते हैं, तो आप स्नोफॉल का भी दीदार कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पर होती है, और कई बार ऐसा होता है कि जो आप बीच का जो जगह देख रहे हैं, स्पेस देख रहे हैं लेक के चारों तरफ, वो पूरा बर्फ से ढका हुआ होता है। इवन जो चारों तरफ पाइन ट्रीज है, वे पाइन ट्रीज भी ढके हुए होते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। और ये जो खजियार है, यह कोई अधिक दूर नहीं है, आप पठानकोट तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। अब पठानकोट से हार्डली विद इन 100 किलोमीटर, यानी 80-85 किलोमीटर्स के दूरी पर। अब देखिए बहुत ही
स्काई देखिए, क्लियर एंड ब्लू स्काई बहुत ही कम देखने को मिलता है। जब आप प्लेन्स में जाएंगे तो प्लेन्स में शायद ही इतना क्लियर और ब्लू स्काई देखने को मिलेगा। यू कैन सी अ पैच ऑफ ब्यूटीफुल पैच ऑफ क्लाउड इन द स्काई एंड बियॉन्ड द क्लाउड यू कुड सी द ब्लू स्काई। तो यह पहाड़ों में ही स्पेशली हाई ऑल्टीट्यूड की जगह पर ही संभव हो पाता है। सो गाइस, आज ही हम धर्मशाला से चले थे तो धर्मशाला से आज हम पहुंचे हैं यहाँ डलहौजी, देन खजियार अभी पहुंचे हैं और खजियार से चंबा होते हुए ऑल द वे टू पठानकोट आज ही हमें पहुंचना है। तो रास्ते में कहीं हमारा हॉल्ट नहीं होगा और जो कुछ भी समय लगना है अभी खजियार में ही लगना है, बिकॉज यहाँ के बाद हम जाएंगे पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे, वहाँ पर मेरे पिलियन भवेश को पैराग्लाइडिंग करना है। देन विल डू पैराग्लाइडिंग और उसके बाद ऑल द वे टू पठानकोट वाया चंबा। तो यहाँ आकर मैं कह सकता हूँ मेरा पैसा वसूल हो गया, क्योंकि इतनी सूथिंग इन्वायरमेंट है यहाँ का, सराउंडिंग्स इतना सूथिंग है और बहुत अधिक भीड़ भाड़ भी नहीं है, सनी वेदर है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो जी चाह रहा है मैं यहाँ से वापस ही ना जाऊँ। तो आप जब कभी भी आते हैं डायरेक्ट अगर डलहौजी आना है तो आप पठानकोट आइए, पठानकोट से बस मिलती है, वहाँ से आप एक से डेढ़ घंटे में आप यहाँ डलहौजी पहुँच सकते हैं। और डलहौजी से हार्डली 30 किलोमीटर की दूरी पर यह खजियार, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वो स्थित है। तो इस ब्लॉग में बस अब थोड़ा सा और आपका समय लूंगा और उसके बाद इस ब्लॉग को मैं तो है ये खजियार का पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्पॉट और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे लॉन्चिंग पैड है पैराग्लाइडिंग का, और फिर वहाँ से ग्लाइड करते हुए बंदा नीचे आता है और आगे लैंडिंग स्पॉट है। सो गाइस, दिस इज पैराग्लाइडिंग स्पॉट एंड वी हैव कम हियर फॉर पैराग्लाइडिंग, इवन दो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, but my pillion Bhavesh, he is very much interested and he has come here। और आप देख सकते हैं already paraglide कर रहा है, वो मेरा pillion है जो आपको paraglide दिख रहा है, and now he is landing और मैं आपको landing spot भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो land करने वाला है। और ये Lord Shiva का एक बहुत ही बड़ा structure है जो paragliding लैंडिंग साइट के पास स्थित है, और आप देख सकते हैं नीचे लेफ्ट की तरफ यह लैंडिंग साइट है और यहाँ पर मेरा पिलियन भवेश अभी लैंड करेगा और लैंड करने के बाद फिर वहाँ से पैदल आएगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे पठानकोट के लिए। तो यस, ही इज अबाउट टू लैंड एंड ही हैज लैंडेड। Nice people, a smooth road, everything is fine, everything is beautiful and wonderful. So, मेरा जो जर्नी था खजियार का यहाँ पर एंड होता है। अब इसके बाद approximately 75 किलोमीटर से यहाँ से पठानकोट है वाया चंबा, मैं पठानकोट के लिए निकल रहा हूँ और फिर चंबा होते हुए चंबा में भी मैं रुकूंगा आधे एक घंटे, तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे, फिर मिलता हूँ।